हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा आज का वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्लेन्स अबाउट इंडियन डिफेंस सिस्टम। ओके, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। कमाल की बात है कि पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशंस हो रहे हैं अबाउट इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो इससे पहले कि इस वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, देख हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खत्ते में मजबूत तरीन है, जो हमारे छोटे ममालिक साउथ एशिया, साउथ एशिया में था कि रशिया एंड अमेरिका, उन्होंने 92 जो है वो ये इक्विपमेंट ट्रांसफर किए हैं इंडिया को। असला जो है जो उसने खरीदारी करने की कोशिश की है वो पहुंचना शुरू हो गया। 6 रफेल पहले ही जो है वो इस मंथ के आखिर में उनको फाइनली डिलीवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो को देख लेते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी भारत के खिलाफ क्या क्या प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से खैर वो ताइवान के पास लाके एक बहरी बेड़ा खड़ा करना, और दूसरा साउथ ईस्ट जो चाइना है, सदर्न चाइना के जो समंदर है उसके अंदर खड़ा करना, और अब ये खबर जारी करना उनकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 92 जो है वो तैयारे, टैंक और पर्सनल कैरियर जो हैं वो रशिया और अमेरिका ने बाय एयर लिफ्ट करके इंडिया को डिलीवर कर दिए हैं। उसके अंदर पता नहीं, अब उनकी तरफ से जारी हुई है और जारी करना बड़ा मानी खेज है। ये क्या मैसेज है जी इस वक्त? अगर ये सूरत हाल देखी जाए तो क्या फिर दोबारा चाइना के साथ कोई ठोक ठोक शुरू होगी? इस वक्त सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेजर है वो इंडिया है रिजवान अली साहब, और जो गिद्ध है असला बेचने वाले वो इसके मवेशियत को नोच रहे हैं। और मोदी अपने एजेंडे के तहत, आप कह लें अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करके, एक बड़ा खेल खेल रहा है कि राफेल भी खरीद लो, फलानी चीज भी खरीद लो, इसराइल से जो है वो निगरानी करने वाले वो जो वो खिलौने होते हैं वो भी खरीद लो, सारा कुछ गन्ने फलां जगह से खरीद लो, जहां से जो मिलता है मार्केट से, रशिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, इसराइल से, ये उठाए जा रहे हैं। अब रह गई बात कि जी इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, और क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल है कि इसके इस्तेमाल की नौबत आ जाए। देखिए, चाइना की जो पॉलिसी थी नॉन कन्फ्रंटेशन की, एक अरसे से चली आ रही, वो अभी तक उसके ऊपर जो है वो कमिटेड है, और नहीं चाह रहा कि किसी जगह पे उलझ के वो अपनी जो मईशत की जो रफ्तार है उसको नुकसान पहुंचे। अब अगर आप देखें पूरा प्लान करके जिस तरह घेरा गया चीन को, उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया के अंदर जो है उनकी कंपनीज को बैन किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, बाहर जो है उनके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, हुआवे के हवाले से जो है वो मामलात उठ रहे हैं। तो ये वो बेसिकली ये वो खौफ है जो कि अमेरिका और इसके अलाइज के अंदर पाया जाता है, इनकी जो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है चाइना की, और खित्ते के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है, जिस तरह से ये ईरान को साथ लेके चल रहा है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर नेपाल को साथ मिलाया, रशिया के साथ क्लोज टाइज हैं। तो बेसिकली आप ये जो एक आप क्या ले रिदम बना था इसको खराब करने के लिए एक नई कोशिश जो है वो शुरू हुई है, और इसमें जो मुस्लिम मालिक हैं उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें खुद हम पाकिस्तान भी शामिल है, कि जी आप एक साइड चुन लें। जो वाजह मैसेजेस और इशारे सिग्नल आ रहे हैं वो इसी लेवल के आ रहे हैं। तो देखिये, ये सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है स्केप गोट बनने जा रहा है बुनियादी तौर पर। इनकी मईशत जो है, एक तो इनको असला बेचेंगे, अपनी डूबती हुई मईशतों को सहारा देंगे, और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगा इस सारी सूरत हाल का वो एक आम इंडियन होगा, जिसके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज करके ये इतनी बड़ी डिफेंस परचेज और मूवमेंट जो है वो मोदी और इसकी जो आर्मी है और अमित शाह और ये अजीत देवल करवा रहे हैं, ये बेसिकली उनको कास्ट करेगा हिंदुस्तानियों को, और इसकी जो आगे इनके अपने ऊपर असरात आएंगे, खेचातानी जो शुरू होगी सोसाइटी के अंदर, और जिस तरह के वहां पे भी जो है पता नहीं को हवा चली है, जैसे टिड्डी दिल यहां से वहां गया, उनकी इंटेलिजेंस भी अब बंदे तोड़ तोड़ के कांग्रेस के, राजस्थान से वो उसको सचिन पायलट को तोड़ा गया 40 MLA समेत, तो वो उसको मोदी को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा स्नैरियो जो है बेसिकली
हमने सिर्फ सस्टेन करना है। अगर हम इस सूरतेहाल में सिर्फ अपने आप को सस्टेन करा जाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर जाते हैं, तो आपको इम्पैक्ट दूसरी तरफ खुद बहुत नजर आएगा इस खेचातानी का। बात यह है कि असले की दौड़ के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें आपको इंडिया तो एक पेस पे दौड़ता नजर आ रहा है ना, कि रशिया से अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लेना चाहते हैं, इसलिए कि चाइनीज ने जो मिसाइल बनाए हैं और जिनकी उन्होंने डिस्प्ले भी किया है वो हर किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया असलाह तो जमा करना चाहता है और इसीलिए आप देखिए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी हो रहे हैं। अब जो वो असलाह जमा इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो ये है कि क्योंकि चीन ज्यादातर इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो रही, यानी अगर चीन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं दुनिया में बाकी जगह जाए इकोनॉमिकली जिस तरह वो इन्वेस्ट कर रहा है, अब उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएंगे, उसको काउंटर करने के लिए या तो आप अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे लेके आए, अगर इकोनॉमी को नहीं लेके आए तो वो मुल्क जो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ माशियात की बेसिस पे कनेक्टिविटी कर रहा है और जो वन बेल्ट वन रोड या बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे दुनिया को अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए या इकोनॉमी डेवलप करें या अपने आप को इस तरह डिफेंस के तौर पे मजबूत करें कि कहें कि कल अगर कोई वो मिलिटरली भी आया तो हम उसको सस्टेन करने की पोजीशन में या रोकने की पोजीशन में। तो ये तो डिजायर लस्ट होती है और ये लस्ट जो है ये इंडिया के अंदर आज से नहीं बड़े अरसे से मौजूद है। और दूसरे ये है कि वहां पे जो ममालिक डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं जिसमें अमेरिका सरे फहरिस्त है, उन्होंने अपना असला बेचना है और उनको मार्केट चाहिए, और वो मार्केट जब आपको एक कस्टमर मिल रहा है तो उस मार्केट में जाके आप फरोख्त करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तभी आप फरोख्त कर रहे हैं। तो इंडियंस पाकिस्तान को जिस तरह देखते हैं उसके हिसाब से वो चाहेंगे कि हर वो चीज मार्केट से उठा लें जो चीज उनको किसी ना किसी तरीकाकार से बचा सके। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि अभी इंडिया की जो माजी में भी उठा के देख ले तो इंडिया की कभी प्रोक्योरमेंट की लस्ट कभी कम हुई नहीं है, चाहे आप नो वॉर पैक्ट में थे या जब आपका अपना बॉर्डर के ऊपर एक सीज फायर हुआ था वो उसी हिसाब से और उसी स्पीड से चलते रहे। इस वक्त जो है ये दुनिया भी इस तरह डेवलप हो रही है जहां पे फ्रेश अलायंसेस जनरेट कर रही है और वो जो अलायंसेस हैं वो डिफेंस मिलिटरीली भी जा रही हैं, इकोनॉमिकली भी जा रही हैं, और ये जो कनेक्टिविटी जिसको आप कहते हैं रेल रोड नेटवर्क जो है जिससे आपके बिजनेसेस आगे चल रहे हैं उसके तरीकेकार से भी हो रही है, क्योंकि इंडिया उसमें आपको एक बैकफुट पे नजर आ रहा है और वो यहाँ पे नहीं है, नेपाल तक ने इंडिया को कह दिया है, भूटान तक ने इंडिया को कह दिया है, तो इसलिए वो ये फील कर रहा है कि उसको अपने आप को इतना मजबूत मिलिटरली कर ले कि बाकी दुनिया के जो खित्ते के ममालिक हैं उनको वो चैलेंज करता रहे। बिल्कुल ठीक है अपना हजरत अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जो इस वक्त राइट नाउ जो चल रही है, अब देखिए ना बहुत सारा ऐसा असला है जो जिसके ऊपर इंडिया 1982 से जी तेजा बनाने में लगा हुआ है, 1982 से तेजा बनी जा रहा है, अभी तक किसी मैदान जंग के अंदर आजमाया नहीं गया, किसी बड़ा अच्छा मौका था ना 26 को उतारते तेजास को, पता चल जाता कि आपने क्या शाहकार तख्लीक किया है, लेकिन एक स्क्वाडन है उसका वो भी उन्होंने छुपा छुपा के रखा हुआ है जरा अंदर, कहीं उसको हवा ना लग जाए, किसी मार्के में नहीं उतरा, नुमाइशों में जाता रहता है, मेरा मतलब है कि बाईपास वगैरह में शरीक होता रहता है, इसी तरह का बाकी का मसला है उनका, तो बहुत ज्यादा गैप है इंडिया को अपनी ओवरऑल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, और वो गैप इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जो अरब डॉलर होंगे कई सौ अरब डॉलर जो हैं वो इसमें झोंकना पड़ेंगे, अदरवाइज जो है वो हाल वाले भी जो हैं वो हेलीकॉप्टर तो अच्छे बना लेते हैं, त्यारे अच्छे नहीं बनाते हिंदुस्तान एरोनॉटिकल वाले जो है, तो ले देंगे फिर सर वही होगा जो अब तक हुआ है कि असला भी लेंगे और मार भी खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देख हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खित्ते में मजबूत तरीन है, हमारे जो छोटे ममालिक साउथ एशिया में। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी अहम कर लूं जो इशू बड़ा अहम हो गया, देखिए पिछली दो दहाइयों में अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक लीबिया शाम मिस्र ईरान जनूबी कोरिया तक क्या किया कि तबाही के दाने पर उनको ले गया और अपने तमाम का तमाम मसला एनर्जी मईशत वहां झोंकी, और जहां अमेरिका इन ममालिक के साथ सफ रहा था
और दोस्ती के तनाजे वो तकाजे पूरे करता है इंडिया और इसराइल के साथ, और ये वो ममालिक थे जो उसके लिए कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे थे। इन्हीं हालात में जो चाइना था, चाइना ने पिछली दो दहाइयों में अपनी मईशत को साउथ अफ्रीका, लातिन अमरीका, हमारे साउथ एशिया में और ये जो हमारे रशियन स्टेट हैं, अपने कारोबार को बढ़ाया, संते लगाई और 20-30 सालों के वादे किए, और आज दुनिया में न सिर्फ इमर्जिंग बल्कि एक सुपर ताकत के तौर पर चाइना उभरा है। और दूसरी अहम बात यह कि चाइना ने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, ख्वाब वो इंडिया हो जिसके साथ उसके शदीद तरीन माजी के भी इख्तलाफ रहे, मौजूदा भी रहे, दोस्ती की, और न सिर्फ दोस्ती की बल्कि ट्रेड बढ़ाई है। और यही तकाजा है कि आज अमेरिका जो डिफेंस के और इसलिए के बुनियाद पर ताकत के जोर पर दूसरे ममालिक पे हमला किया करता था, लोगों को अलाया किया करता, आज आइसोलेशन और न सिर्फ आइसोलेशन बल्कि उसके अंदर अपने अंदर मुल्क के अंदर से ऐसी लहरें और ऐसी उठ रही हैं आवाजें कि शायद रशिया जैसे हालात वहां भी हो जाएं। तो काफी मतलब अजीब सा मैं कहूंगा वीडियो था, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो अगर आप ध्यान से सुने तो नेगेटिव वीडियो है ये, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको कोई लस्ट, मतलब उसको कोई आदत है असला इकट्ठा करने की, मतलब आर्म्स एंड एम्युनिशन इकट्ठा करने की आदत है, और कब से इकट्ठा कर रहा है, और स्केपगोट है, मतलब दूसरी कंट्रियाँ जो हैं इंडिया को माल दे रही हैं क्योंकि इंडिया मांग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है क्योंकि डिमांड कर रहा है तो लोग उसे उल्लू बना रहे हैं और इंडिया को बेच रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे थे कि तेजस जो है वो कभी वॉरफेयर में डिप्लॉय नहीं हुआ, और फिर ये बातें कर रहे हैं कि चाइना जो है बहुत ही नॉन कन्फ्रंटेशनल नेशन है, मतलब चाइना जो है किसी से फाइट नहीं करता और वो काफ़ी अच्छा देश है और आगे निकल गया। तो इसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस कमेंट्स में, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता, या इनको जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वही बताती है जो उनके फ़ायदे में होता है। अब रियलिटी ये है कि इंडिया जो है मॉडर्नाइजेशन जो कर रहा है अपनी फोर्सेज की, इंडिया की फोर्सेज ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं देन चाइना। तो कहते हैं कि चाइना की जो फोर्सेस ओल्डर हैं और इंडिया की फोर्सेस मॉडर्नाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वॉरफेयर करता रहता है, एक्सरसाइजेस करते रहता है डिफरेंट नेशंस के साथ, वेस्टर्न नेशंस के साथ। सो कि पहली बात तो यह है कि इंडिया की फोर्सेस आर मोर मॉडर्नाइज, ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं देन चाइना। दूसरा, चाइना जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया नहीं। उसके बाद जो है इंडिया इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, तेजस जो है तेजस डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर इनको ये था कि तेजस डिप्लॉय क्यों नहीं किया, तेजस डिप्लॉय हो गया, और अगर वॉर होती है तो उसमें तेजस भी पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद बारी आई कि जो असला इकट्ठा हो रहा है वो गैप्स इकट्ठे हो रहे हैं जो अभी चाहिए, जिस गैप्स में इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बना सकता है वो इंडिया बना रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने कई ऐसे भी वेपन्स बनाए हैं जो चाइना के पास नहीं है, जैसे हमने देखा था वो टॉर्पीडो लॉन्चर जो है पहले रॉकेट में टॉर्पीडो जाता है, फिर रॉकेट उसे फायर करता है, वो इनसाइड द वाटर जाके डिस्ट्रॉय करता है, स्मार्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। तो इंडिया के पास काफ़ी इक्विपमेंट ऐसा है जो चाइना के पास नहीं है। इंडिया जो है बाय कर रहा है उन चीज़ों को जो अभी इंडिया के पास फुली रेडी नहीं हुई हैं इंडिजिनस। जैसे से इंडिया इंडिजिनस रेडी करेगा खरीदना बंद कर देगा। इतना सामान इंडिया खरीद रहा है क्योंकि हम रेडी होना चाहते हैं और चाइना को मैसेज दे रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं, फुली प्रिपेयर्ड हैं वॉर के लिए। अगर वॉर होती है तो उनको बहुत ही लॉस होगा और वो हार भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई इक्विपमेंट है जो उनके पास नहीं है, और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर जहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, जहाँ झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर हम ज़्यादा स्किल्ड हैं। और स्केपबोर्ड वाली बात नहीं है, ये वो वेपन्स नहीं है जो हर कोई खरीद सकता है। तो अगर अमेरिका कोई वेपन्स दे रहा है और रशिया कुछ दे रहा है, इसराइल कुछ दे रहा है, मैं रशिया तो नहीं कहूँगा मगर इसराइल और अमेरिका कुछ वेपन्स दे रहे हैं जो वो सब कंट्रीज़ को नहीं देते, तो इवेंचुअली आपके पास वो वेपन्स आ रहे हैं जो चाइना के पास भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में कि इंडिया जो है काफ़ी सारा असला, मतलब आर्ममेंट या आर्म्स
या वेपन्स खरीद रहा है, मगर उनको ये नहीं पता हम वेपन्स खरीद रहे हैं टू बी 100% रेडी। खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पहली बात तो यह, तो इसका मतलब इंडिया के पास इतना पैसा है कि इंडिया खरीद रहा है इन वेपन्स को। दूसरा जो है, इंडिया सिर्फ वेपन्स ही नहीं खरीद रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट इसरो जो है ऑलमोस्ट एट पार या इवन बेटर है चाइना की स्पेस एजेंसी से। और दूसरी बात यह, इंडिया के पास वेपन्स हैं जो चाइना के पास नहीं है। और दूसरा, इंडिया जो अपनी GDP बढ़ा रहा है, इनफैक्ट चाइना की GDP कम कर रहा है। तो दो हमारा अटैक है, एक तो अपनी GDP बढ़ानी अपना माल खरीद कर, और दूसरा उनका माल नहीं खरीदने से उनकी GDP कम कर रहा है। तो ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि एक्चुअल रियलिटी कुछ और है, और एक्चुअल रियलिटी बहुत बढ़िया है, जो इनकी समझ है थोड़ी कम है, क्योंकि इनको शायद मीडिया में वही सुनने को मिलता है जो इनकी गवर्नमेंट इनको दिखाती है। तो अच्छा वीडियो था टू नो कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और फिर मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।